कोरोना वायरस महामारी से जारी जंग में कई तरह की चुनौतियों का हम सबको सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बॉलीवुड ने भी एकजुटता दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में बॉलीवुड सितारे फिर मुस्कुराएगा इंडिया का मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। गाने में हमें अक्षय कुमार, विकी कौशल, राजकुमार राव, टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन, भूमि पेडनेकर, तापसी पन्नू, क्रिकेटर शिखर धवन जैसे सितारे इस खूबसूरत गाने को गुनगुनाते नजर आते हैं। फिर मुस्कुराएगा इंडिया गाने का मोटिव सिर्फ लोगों को मोटिवेट और पॉजिटिव करना है, क्योंकि इस दहशत भरे माहौल में सब डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, भारत लड़ेगा, भारत जीतेगा। फिल्म जगत की हस्तियों की शानदार पहल। ये गाना जस्ट म्यूजिक एंड केप ऑफ गुड फिल्म्स का इनिशिएटिव है। इस पॉजिटिव गाने को आवाज विशाल मिश्रा ने दी है। वही विशाल मिश्रा ने ही इसे कंपोज किया है और म्यूजिक भी दिया है, जबकि गाने के बोल कौशल किशोर के हैं। ये सॉन्ग रिलीज होते ही यूट्यूब पर नंबर 1 पे ट्रेंड होने लगा है। गाने के लिरिसिस्ट कौशल किशोर से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी। आइए आपको सुनाते हैं और उनसे जानते हैं कि गाने की मेकिंग कैसे हुई और कहां से उन्हें इस गाने को बनाने की प्रेरणा मिली। कौशल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमत न्यूज में, और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि गाना जो है इतना टॉप ट्रेंड कर चुका है, मुस्कुराएगा इंडिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि मोटिवेशन कैसे आया आपके पास ये गाना लिखने का? देखिए मैम, एक राइटर जो होता है वो हर समय आसपास की दुनिया, आसपास और आसपास के दर्द को महसूस कर सकता है, और जब पूरा विश्व कैसे खतरे में है, जहाँ पे हम लोग रुक गए हैं, ठहर गए हैं, देश रुक गया है, कितने लोग मतलब तबाह हो गए हैं, तकलीफ में है, तो देश इंस्पायर करता है आपको कुछ भी लिखने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि ये मौका मुझे मिल सकता हूँ देश के लिए, और जिसका बहुत असर हो रहा है, लोग काफी मतलब इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत। यूट्यूब पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है ये गाना। हाँ, यूट्यूब पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसको रीट्वीट करा है। जी जी, बिल्कुल सर। दूसरा ये मैं जानना चाहूंगी, कितना समय लगा आपको ये गाना लिखने में और तैयार करने में? देखिए, इस गाने को मैंने लिखा तो है 20-25 मिनट में। अच्छा, ओके। लेकिन इसकी जो तैयारी है मेरी लाइफ में, इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी। मैं बहुत पहले से देश को कुछ लिखता रहा हूँ, और कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ बनेगा लेकिन नहीं बन पाता था, और मुझे लगता है कि वही सब मेहनत है जिसका फल मुझे मिला है, कि जब अक्षय सर ने और जैकी सर ने, दोनों लोग मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है, बनाया है, तो जब विशाल मिश्रा जी ने कंपोजर है, सिंगर है, उनके पास ये आया, हम लोग एक ही रूम में थे सब, तो हम लोग डिस्कस किए इस पर, काफी डिस्कस किए, और फिर हम लोगों ने तय किया कि हम लोग कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं डालेंगे गाने। ये एक पहल थी जो की मैंने की, कि नहीं निगेटिव वर्ड एक भी नहीं डालेंगे, और गाने का जो हुक होगा वो जीत जाएगा इंडिया होगा, तो ये हम लोगों ने तय कर लिया। और विशाल भाई को जब मैंने बताया तो काफी खुश हुए, बोले कि हाँ ये काफी, और मैंने भी बोला कि कोरोना वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्ड हम जो हमें इतना तकलीफ दे रहा है उसको मैं किसी भी प्रकार से अपने गीत में नहीं शामिल करूंगा। तो मैंने ये तय किया, और उसके बाद 2-3 एंगल से मैंने कुछ चीजें लिखी। फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इस तरीके से ये बात किया जाए कि फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से सारे यार साथ होंगे, ना कोई पाबंदी ना रोकी कोई, तो मैं वही बात लिख रहा था जो चीज की, जैसे हम लोग इस बात कैसे भी कह सकते थे कि आज हम बहुत दुखी हैं, लेकिन मैंने इसको ये कहा कि फिर से हम लोग खुश हो जाएंगे, तो मैंने पॉजिटिव जो पॉइंट है उसको पकड़ा। और अभी आईपीएल बंद हो गया, काफी ओलंपिक का असर आने वाला है, तो मैंने लिखा कि खेलों के मैदान जो है फिर से गूंजेंगे, पटरी पे भागेगी, तो एक एक चीज जो मुझे लग रहा था कि जो चीजें रुक गई है उन सबको मैंने अपने इमेजिनेशन में फिर से देखा कि सब हो रहा है और हम लोग कितने खुश हैं, तो इस कारण से। और एक बात और की, जो आजकल हम लोग दूरी बना के रख रहे हैं, तो मैंने इसमें बहुत कम टाइम था मेरे पास, बेसिकली पहले से ऑर्डर ही था कि इतने से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो सारी बातों को समेटना था, तो ये जो लाइन है कि बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, तो जो हम नहीं बांट पा रहे हैं अभी, मतलब कोई बीमार भी है तो हम घर में एक तरफ से वो एक रूम में है, साथ नहीं आ रहा, तो उसके दर्द में हम कहाँ शामिल हो पा रहे हैं, मतलब चाह के भी नहीं हो पा रहे, नहीं हो पाते हैं, तो उस दर्द को बयां करना था। तो इंस्पायर मुझे पूरे मिशन ने किया है, इस पूरे बीमारी के जो डिजीज के जो भी रंग हमारे सामने आए हैं, बेकार से रंग है बहुत ही,
धब्बे हैं, मैं तो बोलता हूँ ये सारे चीज मिलकर के ये गाने का निर्माण हुआ है। और फिर विशाल मिश्रा जी ने शानदार ढंग से कम्पोजिशन किया, जबकि मैं भी कम्पोजिशन जब कर रहे थे वो तो मैं उनके सामने था, तो मैं देख रहा था कि कैसे कैसे सब हो रहा है। और कोई और मैं उनकी भी बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि कोई असिस्टेंट नहीं, कोई लोग नहीं, अकेले उन्होंने सब कुछ किया। मेरे जितना हो पा रहा था मैं सहयोग कर रहा था, तो मैं टेक्निकली उतना नहीं जानता हूँ ऑब्वियसली, तो सब किया उन्होंने और हम लोगों ने मिलकर गाना क्रैक किया। और आज के डेट में देश को अगर ये थोड़ा सा भी इंस्पायर कर रहा है, थोड़ा सा भी, जैसे हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं, उनके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने पुलिस वाले बहुत मोटिवेट कर रहा है, बिल्कुल बहुत पॉजिटिविटी हो रही है। बिल्कुल हाँ, पुलिस वालों ने मुझे टैग किया, एक दो नर्सेज हैं जो कि हमारे ही कॉलोनी की हैं, वो जानती हैं मुझे, तो उन्होंने मुझे टैग किया कि देखो आज ये गाना हॉस्पिटल में हम सुन रहे। तो ये मतलब अपने आप में एक मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट मैं बोलूंगा कि मैं देश के लिए एक वर्ड दो चार लाइनें लिख पाया जो कुछ अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेकिंग के बारे में थोड़ा अगर बता सके, आपने स्टाफ को कैसे कनेक्ट करा और कैसे मतलब कैसे मेकिंग कैसे हुई इस गाने की? देखिए ये दिशा जी हैं, दिशा धनुका नाम है उनका, दिशा जी वो जस्ट म्यूजिक की हेड हैं और उन्होंने सब किया है। तो सब लोग फोन पे सारे स्टार को जोड़ना, क्योंकि अच्छे से इन्वॉल्व थे शुरू से, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। और जस्ट म्यूजिक के लिए भी कोई नई बात है नहीं, बहुत सारे फिल्म करते रहते हैं वो लोग, तो उन लोगों ने हेल्प किया और सब लोग कनेक्टेड हुए। फिर शिखर धवन मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, तो उन्होंने भी पार्ट लिया इसमें और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग उन्होंने मिलकर के देश को कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव किया है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं इसलिए करना चाहूंगी कि आपने इतने आपके राइट आपका जो लिरिक्स थे इतने ज्यादा सूदिंग थे, और उस ज्यादा सर बहुत पॉजिटिविटी आपने इस गाने के माध्यम से लोगों के तक पहुंचाई है। तो बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करेंगे आगे भी हम ऐसे ही कुछ मजेदार लिरिक्स, कुछ पॉजिटिविटी आपसे और आप हम सुनेंगे, आप जरूर सुनेंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप नोटबुक फिल्म का एक गाना है सफर जो मैंने लिखा था, डेब्यू गाना है, उसको आप जरूर सुनिएगा। मोहित स्वामी जी जी, जी।